नमस्कार। 23 जुलाई 2019 का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इसकी चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। मंगलवार रहेगा, साथ में ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियां, सूर्य कर्क राशि में ही 5 डिग्रीज की पोजीशन के साथ मंगल और बुध के साथ में विराजित हैं यहां पर। इसके साथ में ही आज संचरण व्यवस्थाओं के भीतर दैत्य गुरु शुक्र भी मिथुन राशि संचरण व्यवस्थाओं से निकलकर कर्क राशि के भीतर दोपहर के बाद से प्रवेश कर जाएंगे। ये एक अलग चर्चा जनित व्यवस्था है, जब भी भौतिक प्रक्रियाओं के अधिपति, फैसिनेशंस के और मटेरियलिस्टिक लाइफ के अधिपति अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं तो हमें समझ लेना आवश्यक होता है। ये चेंजेस भी हम एक एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखने का कार्य कर चुके हैं। कला के क्षेत्र के भीतर कैसे परिवर्तन आएंगे, ये आप उसके द्वारा देखने का और समझने का कार्य कर सकते हैं। विशेष चर्चाओं के साथ में कन्या राशि रहेगी तो वहीं पे चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि स्थान के भीतर ही विराजित रहने वाले हैं। चर्चाओं की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक गतिविधियों के भीतर जो लाभ की पोजीशंस रहती है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चेंजेस वाली पोजीशन दिखाई नहीं देती है, मध्यम दर्जे की स्थितियाँ रहेगी। कोई भी वाद और विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मानसिक अस्थिरता जब रहती है, निर्णय अनिर्णय की जब स्थितियां रहती है तो हमें जल्दबाजी की स्थितियों से बचने की आवश्यकताएं रहती ही रहती हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी कामकाज के साथ में, लॉजिस्टिक्स के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये दिन रोटेशन की पोजिशंस को बहुत बेनिफिशियल स्टेज की तरफ लेकर जाएगा। अन्य कोई भी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मध्यम दर्जे की पोजिशन रहने की संभावना है। बहुत ज्यादा तीव्रगामी स्थितियां दिखाई नहीं देती है आपके लिए, प्रथमतया स्थिति तो ये। इसके साथ में ही अगर दूसरी पोजीशन की यहाँ पर चर्चा की जाए तो आप ये पाएंगे कि देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए जो भी चेंजेस होते हैं वो आज आमूलचूल तरीके से निकल कर आ सकते हैं। प्रेशर की पोजीशंस आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज लेकर आ सकती है, साथ में ही जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है उसको एक स्तर पर रखने का कार्य करेगी। इस संघर्ष के दिन की प्रवृत्ति को आप उसी अनुसार समझें और अपने कामकाज को उसी अनुसार गतिशीलता की तरफ लेकर जाएं। प्रत्येक नौकरी किसी न किसी हद पे व्यापार के साथ में जुड़ी हुई है, जहां पर सुपीरियर अथॉरिटीज आपको एक अनुशासन के भीतर रखने का कार्य करती है। तो अगर ऐसा प्रेशर आपको फील करने की पोजीशंस दिखाई देती है तो कहीं भी खुद को उलझाने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ में ही स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं मेष राशि के महानुभावों को रहेगी। वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आज आपके लिए जो लाभ की पोजीशंस बनी हुई थी आज उसमें हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, यानी कि जो संभावनाएं हैं वो अतिरेक की ओर जाती हुई नहीं दिखाई देती। जो आपके लिए एक रफ्तार बनी हुई थी आज उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। साथ में ही जो आपके लिए एनालिसिस की पोजीशन है या फिर आप रिसर्च के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत लेवल के ऊपर क्लिक करने का कार्य करेगी। क्रिएटिव अप्रोच के साथ में आप जुड़े हुए हैं, रचनात्मक शैली के साथ में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है, या फिर जो एक तरह से हमारे द्वारा जो कम्युनिकेशन आधारित पोजीशंस रहती है, जो हमारे रोजगार का साधन बनती है, उन सारे ही स्तर के ऊपर ये दिन आपके लिए बेहद अच्छा कहा जा सकता है। वहीं पे किसी भी मेन कंफर्ट जोन के चेंजेस की तरफ आप जाना चाहते हैं, व्यक्ति अगर शिकार होता है तो कंफर्ट जोन का शिकार होता है। यहां आप देखें कि जब भी हम कंफर्ट जोन के भीतर आ गए, आसपास के माहौल के साथ में, एक्वेंटेंसेस के साथ में खुद को रचा बसा लिया और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, उस घेरे से आजाद नहीं होना चाहते, तो वहीं जो हमारी प्रगति है वहीं पे हमारे जो लगातार आगे बढ़ने की स्थितियां हैं वो रुक सी जाती है। उस पोजीशन को रोकने की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बांध बनाने की तरफ नहीं जाएं। जिस भाव के साथ में लगातार चलते रहे हैं उसी में एक्सेप्टेबिलिटी और बनाएं और चलते चले जाना चाहिए आपको, पहली प्रक्रिया तो ये। इसके साथ में ही शिक्षा जगत की जो फॉर्मेटिव एज के भीतर हम एजुकेशन लेने की तरफ जाते हैं उसमें आज आपके लिए एक डेवलपिंग फेज दिखाई देगा। ये दिन कई
नई आपको सीख देकर जाएगा जो सबकॉन्शियस के अंदर हमेशा आपके लिए संरक्षित रहने का कार्य करेगी। तो इसलिए जो भी देखें ऑब्जर्व करें, अच्छे से समझ के चलने का कार्य आपको करना चाहिए। मिथुन राशि, कर्म के भीतर प्रखरताएं पूर्ण रूप से बनी हुई रह सकती है आपके लिए पहली पोजिशन के साथ में। तो ये बात रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल के किसी भी आइटम के साथ में आपका जुड़ाव है, तो ये दिन यहां पर इन क्षेत्रों के साथ में एक नए लेवल का बेनिफिट देकर जाता हुआ देखा जा सकता है। मौसम संबंधित स्थितियों के साथ में अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जब कर्म पूर्ण रूप से उद्वत हो, पॉजिटिविटी लेकर आता हो, तो वहां पे स्वास्थ्य शरीर के भीतर किसी भी स्थिति को हैम्पर करने का कार्य नहीं करें। जो हमारी चेष्टाएं बनी हुई है वो वैसे ही ऊर्जा के साथ में रहे तो बेहतर रहेगी। इसके साथ में ही आजीविका के नए रास्ते आपके लिए इस दिन के भीतर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ में जितना समय बिता सकें, कामकाजी जीवन के भीतर कई बार बड़े बुजुर्गों के साथ में जब आप समय बिताते हैं और उनसे जो आपको सीख मिलती है उसे ही आप व्यापार के भीतर, नौकरी के भीतर डालने का कार्य करते हैं और खुद की पोजिशंस को और ज़्यादा लेवल के ऊपर सुधारने का कार्य करते हैं, ऐसी ही स्थितियाँ आज आपके लिए दिखाई देती है। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और इसके साथ में ही एग्जीक्यूशन पीक की तरफ रहने वाला है। जिस दिन आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशंस के साथ में प्लानिंग नहीं करेंगे, कामकाज के भीतर भी जाने का कार्य पूर्ण रूपेण तरीके से करते हुए देखे जा सकते हैं। कर्क राशि, यहाँ इस दिन की शुरुआत आपको तीर्थाटन के साथ में करनी चाहिए। जो भी आप शहर में रह रहे हैं, जिस भी आप गांव के भीतर रह रहे हैं, जिस भी स्थिति के भीतर रह रहे हैं, भले ही कॉरपोरेट ऑफिसेस के अंदर भी हैं, वहाँ पर भी जो हमारे लिए एक पूजा स्थान होता है वहाँ दर्शन जरूर करें और उसके बाद में अपने कामकाज की शुरुआत आपको करनी चाहिए। श्रद्धा खुद के भीतर एक विनम्रता देने का काम करती है, श्रद्धा खुद के भीतर एक एम्पैथी देने का काम करती है। प्रत्येक स्थिति में हमें अगले व्यक्ति की जरूरत को, उसकी संवेदनाओं को, उसकी स्थितियों को समझने की आवश्यकताएं होती है। ये दिन आपके लिए उस लिहाजा बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जो स्वार्थ की स्थितियां हैं और जो स्वार्थ की पोजीशंस है वो परे हटेगी। आप किसी भी व्यक्ति के साथ में पूर्ण रूपेण संवेदनाओं के साथ स्थापित होकर एक जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। व्यक्ति सुनता है किंतु समझने की प्रक्रियाओं में कब जाता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज आप समझने की प्रक्रियाओं के भीतर जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक स्थितियां बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। मेडिकोज जो भी है या फिर साइकोलॉजी के फील्ड के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए रहते हैं उनके लिए संभावनाएं एक नए स्तर की तरफ जाती हुई पूर्ण रूपेण देखी जा सकती है। कहीं भी किसी भी कंफ्यूजन की आवश्यकताएं इस दिन के भीतर आपके लिए दिखाई नहीं देती। प्रथमतया स्थिति तो ये, इसके साथ में ही जो पराक्रम की पोजीशंस है वो भी डेवलप होती हुई आपके लिए देखी जा सकती है। धैर्य धीरे धीरे प्रस्फुटित होता चला जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ में अगर सिंह राशि की चर्चा की जाए तो यहाँ पर कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आपको सताने का कार्य कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। सर्विस इंडस्ट्री, जहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम बींग अप्रोच बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर जुड़ी रहती है। सर्विस इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड सर्विस इज ऑल अबाउट प्रिसाइज लेवल ऑफ टाइमिंग। तो यहां पर जो टाइमिंग की पोजिशन है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। इस बात का आप अगर विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलने का कार्य करते हैं तो खुद के जो स्तर हैं, जो आपने एक तरह से खुद के लिए जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिस पोजीशन को एक्वायर किया है आज तक मेहनत करके, उस श्रेणी को कहीं भी आप नीचे लाने का कार्य नहीं करेंगे। इसके साथ में ही जो आपके रिश्ते हैं, जो संबंध हैं आपके, उसके भीतर कोई भी दुराव नहीं आए, उसके भीतर कोई भी कंफ्यूजन नहीं आए, इस बात को पूर्ण रूपेण खुद के साथ में समझकर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी ही रहेंगी। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि की। नौकरी पेशा स्थितियों के भीतर जो कंफर्ट जोन रहना चाहिए वो कंफर्ट जोन आज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा के रिफ्लेक्शंस की वजह से और बृहस्पति के रिफ्लेक्शंस की वजह से ये पोजीशन आज आपके लिए नौकरी पेशा स्थितियों के भीतर बेहद सुधार लेकर आने वाली है। जो इतने समय से आप सरकमस्टांसेस के अधीन थे, डोमिनेट करने वाली पोजीशंस के भीतर नहीं थे, झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन लगातार बनी हुई थी, आज ये दिन उससे आज़ादी भरा कहा जा सकता है।
साथ में ही जो लाभ की स्थितियां है, विशेष तौर पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सौंदर्य प्रसाधन के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां और ज्यादा बेहतरी की तरफ आपके लिए जाने का कार्य कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल पोजिशंस, इफ यू आर गोइंग टू इंडल्ज विथ टिम्बर काइंड ऑफ वर्क, किसी भी टिम्बर के कामकाज के साथ में अगर आप जाना चाहते हैं या उसके आसपास के किसी भी कार्य क्षेत्र को अपनाना चाहते हैं, तब भी ये दिन उस इनिशिएटिव के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। गृहस्थ जीवन के भीतर जो एक तरह से बहुत ज़्यादा घर्षण वाली स्थितियाँ रहती है वो रह सकती है, डिमांडिंग पोजिशन निकल सकती है वो थोड़ा सा परेशान कर सकती है, और एक्सपेक्टेशंस कई बार आपकी जो ब्लिसफुल पोजिशन होती है उसको हैम्पर करने का कार्य भी करती है। वहां से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको पूर्ण रूपेण रहेंगी ही रहेंगी। इसके साथ में ही कम्युनिकेशन के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिन बहुत बेहतर कहा जा सकता है। नई उम्मीदों के परवाज भरा दिन इसे हम यहां पर घोषित कर सकते हैं, यानी कि इस पोजिशंस के भीतर यह दिन आपके लिए रहेगा। तुला राशि, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में तुला राशि के महानुभावों का अगर जुड़ाव है, अगर आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिको हैं, तो इन दोनों ही स्पेसिफिक फील्ड्स के साथ में, और तीसरा आयुर्वेद होम्योपैथी जैसे किसी भी स्थिति के साथ में जुड़े हुए हैं, ये लर्निंग प्लस अर्निंग फेज रहेगा। दोनों ही स्थितियाँ पूर्ण रूपेण आपके लिए सामने आकर खड़ी होती हुई दिखाई देती है। ब्रांडिंग प्रमोशन के ऊपर, खुद के नाम को चमकाने के ऊपर जिस कर्म के साथ में जाना होता है, कई बार मार्केटिंग की भी आवश्यकता उतनी ही होती है। इस दिन अगर ये खर्चे निकल कर आते हैं तो उससे घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। मन के भीतर एक अज्ञात भय रहेगा। श्रावण मास चल रहा है और इसके साथ में ही चंद्रशेखर की स्तुति के लिए चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में जाते हैं। उस चंद्रशेखर की स्तुति के लिए चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में जाया जाए तो व्यक्ति अज्ञात भय के जो सिरे हैं, वहम के जो भीतरी स्थितियां हैं, देखिए वहम एक ऐसा पौधा है जिसे डर की खाद अगर लगातार मिलती रहे तो वो दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करता है। ये स्तुतियां उन सारी ही पोजीशन से आपको बाहर निकालने का कार्य करती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के साथ में फिर से लेकर जाती है। तो जो अज्ञात भय है उसे बिल्कुल हटाएं, और मन उचाट रहने वाली स्थितियां हैं उसे हटाकर जो अपनी संभावनाएं हैं उसे नवीनता के साथ में लेकर जाने का कार्य आपको करना चाहिए। व्यापारिक गतिविधियों के भीतर बहुत ज़्यादा लेवल के चेंजेस की तरफ आपको जाने से बचने की आवश्यकताएं इस दिन के अंतराल में रहेगी। शत्रु पनपने वाली स्थितियां नहीं दिखाई देती है। जो भी आपके लिए एनिमीज की पोजीशन पनपी हुई थी, भले ही परोक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष तौर के ऊपर, वो कम होने की तरफ लगातार अग्रसर होती हुई देखी जा सकती है आपके लिए। वहीं अगर हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो जो एजुकेशन के सेक्टर के साथ में जुड़े हुए लोग जो समझाने का कार्य करते हैं, समझने का कार्य टीन एज के अंदर और इसके साथ में फॉर्मेटिव एज में होते हैं, वैसे तो जिंदगी की यूनिवर्सिटी के भीतर व्यक्ति प्रत्येक दिन एक विद्यार्थी बनकर चलने का कार्य करता है, किंतु इस दिन अंतराल में अगर आप टीन एज के भीतर हैं तो स्थितियां अलग, किंतु वहीं पे अगर आप शिक्षक वर्ग के साथ में जुड़े हुए हैं, समझाने की स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, नवीन संभावनाएं आपके लिए आ सकती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद की प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये दिन एक बेहतरीन हद को निर्मित करने वाला आपके लिए पूर्ण रूपेण दिखाई दे रहा है। लाभ के सिरे व्यापार के अंदर निकल कर आ रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़कर अपने कामकाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तब भी बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार इस दिन को आपके लिए कहा जा सकता है। रफ्तार को पुरजोर तरीके से बढ़ाकर चलते चले जाना चाहिए आपको। इसके साथ में ही नौकरी पेशा वर्ग अगर किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाना चाहता है, प्रोफाइल चेंजेस की रिक्वेस्ट करना चाहता है, अपने सुपीरियर अथॉरिटीज से बात आप रखिएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में रखिएगा, जरूर स्वीकारोक्ति आपको उसके भीतर मिलती हुई देखी जा सकती है। चर्चा करते हैं धनु राशि की। सर्वप्रथम किसी भी नई शुरुआत की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण ख्याल रखने की तरफ आप जाएं। रियल एस्टेट के कामकाज के साथ में, कंस्ट्रक्शन के कामकाज के साथ में, व्हीकल और इसके साथ में सेकेंड हैंड व्हीकल के कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, तब भी अपनी रफ्तार को धीमा रख के चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। प्रबंधन और कर्म में जितनी श्रेष्ठताएं नहीं देखी जा सकती, जो एक सिमेट्री रहनी चाहिए आपके एक तरह से कहे हुए शब्दों में और कर्म के भीतर, उसमें थोड़ी सी कमी है,
तो जो हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं उन कमिटमेंट्स को एग्जेजुरेटेड करके रखने का कार्य नहीं करें। बॉसेस के सामने पोजीशन आई, आपने एग्जेजुरेटेड बिल्कुल अतिशयोक्ति के साथ में बढ़ा चढ़ाकर किसी भी पोजीशन को रखने का कार्य किया, शाम के समय वही आपके लिए दुविधा की पोजीशंस को लेकर आ सकती है। सावधान रहें वहां से। व्यापारिक गतिविधियों में जहां जहां हमने कहा है कि रफ्तार को धीमा करके चलें तो बेहतर पोजीशंस आपके लिए दिखाई दे सकती है। ये दिन किसी भी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाला भी कहा जा सकता है। तो ऐसे किसी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी व्यक्ति के साथ में पुरजोर तरीके से जुड़ने के लिए आप जाना चाहते हैं तो ये दिन बेहतर है धनुराशि के महानुभावों के लिए। वहीं मकर राशि, मकर राशि के भीतर की सर्वप्रथम हम चर्चाएं करें तो भाग्य का सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कई बार हमें किसी कामकाज के भीतर एक्सेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के भीतर कभी भी ईगो नहीं आता, कभी भी आपकी पोजिशंस में कम्युनिकेशन में ब्रेक नहीं आता। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप मिलने गए और वहां पर आपका ईगो अगर बीच में आ गया तो आप वहां पर अपने काम को पूर्ण रूप से बना नहीं पाएंगे, हम जुड़ नहीं पाएंगे। किंतु जिस दिन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई हो, स्वीकार्यता सहर्ष रूप से स्थापित रहे तो वो दिन बहुत बेहतरीन आपके लिए कहा जा सकता है। तो उस लिहाजा इस दिन को पूर्ण रूपेण आगे बढ़ाकर चलते चले जाना चाहिए आपको। प्रथमतया तो स्थिति ये रही, इसके साथ में ही जो नौकरी पेशा वर्ग हैं उनके लिए अगर चेंजेस सामने आते हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन मूव इन दैट डायरेक्शन इन अ वेरी प्रिसाइज एंड वेरी कंफर्ट अप्रोच। अब जा सकते हैं उस तरफ, कोई दिक्कत और परेशानी दिखाई नहीं देती है। और इसके साथ में आकस्मिक धन लाभ का जो फील्ड है उसमें भी बेहतरीन संभावनाएं आपके लिए बनती हुई देखी जा सकती है। भाई बहनों के सपोर्ट करने से बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। जो आपके पास में निधि संरक्षित है, जो माश्री की कृपा आपके ऊपर रही है, वो जितनी परिवार के भीतर बढ़ के आगे चलने का कार्य करती है उतनी ही आपकी सर्वांगीण स्थितियां बढ़ती चली जाती है। तो इस स्तर के ऊपर पुरजोर तरीके से ध्यान रखें। वहीं कुंभ राशि के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन बेहद शानदार कहा जा सकता है। इसके साथ में ही रिसर्च के कामकाज से आप जुड़े हुए थे, मॉनेटरी गेन बहुत लेवल के ऊपर निकलकर नहीं आ रहे थे तो मॉनेटरी गेन निकलकर आ सकते हैं। इसके साथ में ही कुटुंबी जनों के साथ जुड़ाव में थोड़े से दुराव देखे जा सकते हैं आपके लिए। जो लिक्विडिटी के प्रपोर्शंस व्यापार में रहते हैं वो रोटेशन थोड़ा सा तीव्र रहेगा, यानी कि आवक तीव्र हुई तो जावक भी उतनी ही तीव्र रहेगी। अब इसके बीच में आप मैनेज कैसे करते हैं पोजिशंस को डिपेंड करता है। इसके साथ में ही गृहस्थ में कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं आए, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जिस भी रिलेशन के भीतर जिस गैप की आवश्यकताएं होती है उसको मेंटेन करके चलें। संतान सुख और संतान से सुख की स्थितियों के भीतर आज बहुत अच्छी खबरें आपको मिल सकती है। आपके नाम और यश में वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है संतान के द्वारा। मीन राशि, विश्वास और आत्मविश्वास की स्थितियां भरपूर रूप से बनी हुई आपके लिए देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में आप जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया के साथ में आप जुड़े हुए हैं, शब्दों के किसी भी कामकाज के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं जिसमें जुबान का भी सहारा पूर्ण रूपेण रहता है, वहां पर बढ़ोतरी आपके लिए देखी जा सकती है। स्थायित्व का कोई भी कामकाज हो जिसमें स्थिर स्थितियां रहने वाली हो, लॉन्गर टर्म के ऊपर बेनिफिट मिलने वाली पोजिशन जिस भी काज के भीतर होती है उन सब जगह आपको अपनी वर्किंग कैपेबिलिटीज और इसके साथ में फाइनेंशियल्स को इन्फ्यूज करना और इन्वेस्ट करना बेहद हितकर कहा जा सकता है। साथ ही साथ में जो हमारे घर परिवार की स्थितियां होती है उसमें बेहद सुदृढ़ स्थितियां देखी जाएगी, सौहार्दपूर्ण स्थितियां रहेगी। साथ ही साथ में जो एक खुशियों का वातावरण और माहौल रहना चाहिए वो प्रगाढ़ रूप से स्थापित रहेगा आपके लिए। इस दिन को पूर्ण रूप से आनंदित होकर आगे बढ़ाते चले जाना चाहिए। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर शुक्र ने जैसे ही अपनी पोजीशंस को चेंज किया है वहां पर भी बढ़ोतरी आपके लिए देखी जा सकती है। तो ये थी सर्वांगीण रूपेण मीन राशि के लिए चर्चाएं। हम ऐसी ही कई और स्थितियों के साथ में, हम ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ में समय दर समय आप सभी के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।